14 टन रेंज में दो बड़ी कंपनीज का आज आमना सामना है। एक कंपनी पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और दूसरी कंपनी ने काफी सालों से मार्केट को अपना बना के रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ XCMG और होंडाई के बारे में। शायद आपको XCMG का नाम सुन के थोड़ा अजीब लगे, पर हकीकत यही है। होंडाई, टाटा, GCB को तो आप जान रही है। आज की वीडियो में मैं इन कंपनी के दोनों ही मॉडल XCMG 140 और होंडाई 140 के बारे में डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। कंपैरिजन की शुरुआत इंजन से करते हैं। होंडा स्मार्ट 140 में इंजन किर्लोस्कर कंपनी का 4R1040T मॉडल वाला 4 सिलेंडर डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि 105 HP की पावर निकाल के देता है 2200 RPM पर। वही XCMG 140i में इंजन क्यूमिंस का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इनलाइन पंप वाला डीजल इंजन लगा हुआ है। ये इंजन 102 HP की पावर निकाल के देता है, वो भी 2200 RPM पर। पावर में XCMG 140 3 HP कम है होंडाई 140 के मुकाबले, पर आजकल ज्यादा कस्टमर क्यूमिंस इंजन को ज्यादा प्रीफर करते हैं किर्लोस्कर के मुकाबले। तो XCMG 140i में ये एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है आपके लिए इंजन ऑप्शन में। पंप फ्लो की बात करें तो दोनों ही मशीन में दो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एक्सियल पिस्टन पंप लगे हुए हैं। होंडाई 140 में पंप फ्लो 224 लीटर पर मिनट का इसका जो हाइड्रोलिक पंप है वो निकाल के देता है, वही XCMG 140i में 252 LPM का पंप फ्लो इसका पंप निकाल के देता है। तो यहाँ पर साफ साफ हाइड्रोलिक के मामले में XCMG 140 बड़े अंतर से विनर साबित होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कोई भी मशीन की सक्सेस के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा XCMG की कोई भी मशीन ले लो, इन मशीन में आपको हाइड्रोलिक स्पीड बहुत ही ज्यादा मिलती है। अब सारे प्रेशर की बात करते हैं, जिससे मशीन की हाइड्रोलिक स्पीड का लगभग लगभग अंदाजा लग जाता है। होंडाई 140 में मेन सर्किट वाल का प्रेशर 32.3 MPa, ट्रैवल सिस्टम का भी 32.3 MPa, स्विंग सिस्टम का प्रेशर 27.9 MPa और पायलट सर्किट का प्रेशर 3.9 MPa पर सेट किया गया है। वही XCMG 140i में मेन सर्किट वाल का प्रेशर 31.4 से 34.3 MPa, ट्रैवल सिस्टम का प्रेशर 34.4 MPa, स्विंग सिस्टम का प्रेशर 25 MPa और पायलट सिस्टम का प्रेशर 3.9 MPa पर सेट किया गया है। हाइड्रोलिक प्रेशर में तो मुकाबला लगभग लगभग बराबरी का, यहाँ पर 19-20 का भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। फ्यूल रिफिलिंग की बात करें तो होंडाई 140 में डीजल टैंक 270 लीटर, कूलेंट 22 लीटर, इंजन ऑयल 11.5 लीटर, स्विंग डिवाइस 2.5 लीटर, ट्रैवल मोटर 3 लीटर पर साइड और हाइड्रोलिक ऑयल टैंक की रिफिल कैपेसिटी 124 लीटर की दी गई है। वहीं XCMG 140i में फ्यूल टैंक 250 लीटर, जो कि होंडाई 140 से 20 लीटर कम है, कूलेंट 16 लीटर, इंजन ऑयल 14 लीटर, स्विंग डिवाइस 2.4 लीटर, ट्रैवल मोटर 2.1 लीटर पर साइड और 130 लीटर का हाइड्रोलिक ऑयल का टैंक दिया गया है। सर्विस इंटरवल की बात करें तो होंडाई 140 और XCMG 140i दोनों में ही हर 500 घंटे पर शेड्यूल सर्विस की जाती है, जिसमें इंजन ऑयल और इंजन फिल्टर हर 500 घंटे में चेंज किए जाते हैं। पर होंडाई 140 में हाइड्रोलिक ऑयल हर 5000 घंटे पर चेंज होता है, तो XCMG 140i में हर 2000 घंटे पर हाइड्रोलिक ऑयल को चेंज किया जाता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं अंडर कैरेज के बारे में, मतलब कि मशीन का निचले वाला हिस्सा। होंडाई 140i में बॉटम रोलर यानी नीचे 7 रोलर दिए जाते हैं और ट्रैक शू की चौड़ाई 500 mm है। वहीं XCMG 140i में भी सेम नीचे 7 रोलर ही दिए जाते हैं और ट्रैक शू की चौड़ाई 500 mm ही है। नंबर ऑफ ट्रैक शू की बात करें तो होंडाई 140 में पर साइड 46 नंबर ऑफ ट्रैक शू लगे हुए हैं, वहीं XCMG 140i में पर साइड 45 नंबर ऑफ ट्रैक शू दिए जाते हैं। एक ट्रैक शू कम है XCMG में पर साइड होंडाई के मुकाबले। और जो चेसिस फ्रेम दी जाती है वो AX फ्रेम हैवी ड्यूटी चेसिस दी जाती है दोनों ही मशीन में। और दोनों ही मशीन की ग्रेडेबिलिटी की बात करें यानी ढलान पर चढ़ने की मैक्सिमम डिग्री 35 है। ट्रैवल स्पीड होंडाई 140i की 5.5 किलोमीटर और XCMG 140i की 5.16 किलोमीटर की ट्रैवल स्पीड है। हालांकि इन मशीन को इतना बताया नहीं जाता, पर यह फिगर भी पता होना जरूरी है। होंडाई 140 को एक मिनट में आप मैक्सिमम 12 बार स्विंग करवा सकते हो, जबकि XCMG 140i की पर मिनट की स्विंग 12.3 है। काफी माइनर सा फर्क है यहाँ पर। ऑपरेटिंग वेट की बात करें तो होंडाई 140 का टोटल ऑपरेटिंग वेट 14000 kg है और XCMG 140i का 13400 kg है। होंडाई 140 वजन में XCMG 140 से 600 kg भारे है, मतलब होंडाई खाते पीते घर का है। बकेट की बात करें तो होंडाई 140 में 0.72 क्यूबिक मीटर का GP बकेट और 0.65 क्यूबिक मीटर का HD बकेट दिया जाता है।
एक्सीएम G140i में 0.72 क्यूबिक मीटर का स्टैंडर्ड जीपी बकेट और 0.6 क्यूबिक मीटर का एचडी बकेट का ऑप्शन दिया गया है। तो बकेट की रेंज में दोनों ही मशीन में सेम सेम देखने को ही मिलता है। कॉपी दैट। बूम एंड आर्म की बात करें तो होंडा 140 और एक्सीएम G140i दोनों में ही बूम की लंबाई और स्टैंडर्ड आर्म की लंबाई सेम ही है। बूम की लंबाई 4600 mm और आर्म की लंबाई 2100 mm है। इसमें लॉन्ग आर्म के भी ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑप्शन। 2900 mm का आर्म एक्सीएम G140i में और 2500 mm लंबाई वाला आर्म होंडा 140 में दिया जाता है। ये ऑप्शनल है, स्टैंडर्ड मशीन के साथ आपको लॉन्ग आर्म का ऑप्शन नहीं दिया जाता। अब कंपैरिजन करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की, यानी वर्किंग रेंज की। इसमें मेन तीन चीजें शामिल होती है, मैक्सिमम डिगिंग हाइट, मैक्सिमम डिगिंग रीच और मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ। चलिए बात कर रहे हैं होंडा 140 में मैक्सिमम डिगिंग हाइट 8100 mm, मैक्सिमम डिगिंग रीच 7920 mm और मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ 5150 mm की मिल जाती है। वहीं एक्सीएम G140i में मैक्सिमम डिगिंग हाइट 8440 mm, जो कि होंडा 140 से 340 mm ज़्यादा है, मैक्सिमम डिगिंग रीच 7933 mm और मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ 5126 mm है। याद रखें ये सारे फिगर स्टैंडर्ड आर्म और बूम के साथ कैलकुलेट किए जाते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। देखिए ज्यादातर मैं अपने वीडियो में मशीन की प्राइसिंग नहीं बताता, उसका मेन रीजन है अलग अलग जगहों पे मशीन की प्राइसिंग सेम नहीं होती और कुछ टाइम के बाद इन मशीन की प्राइसिंग भी चेंज होती रहती है। पर आप कच्छ गुजरात से हो तो यहाँ पर होंडा 140 46 से लेकर 47 लाख के बीच में मशीन अपने सेल करता है, तो वहीं एक्सीएम G140i 39 से लेकर 40 लाख के बीच में अपने मशीन को सेल करता है। ये भी एक्यूरेट प्राइस नहीं है। अगर आपको एक्यूरेट प्राइस चाहिए तो आप अपने लोकल डीलर से कंफर्म जरूर कर सकते हैं। दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे कौन से दूसरे मशीन का कंपैरिजन वीडियो आपको देखना पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।